मॉर्निंग, वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी सीरीज 2021 के सेकंड पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, द फेडरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द दैट स्टेट। मतलब क्वेश्चन में आपको ये पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें से आपकी स्टेट जो होती है वो अलग हो सकती है। ठीक है, फेडरेशन की फॉर्म पूछी हुई है कि जिसमें फेडरेशन की फॉर्म है लेकिन साथ साथ स्टेट्स के पास ये पावर है कि वो अपना जाके एक अलग से कंट्री बना सकते हैं, अपना एक अलग से हिस्सा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। ठीक है, क्योंकि यूएसए में आपको पता होगा, इसको मैं बोलती हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेरस अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में ये पावर नहीं है। ठीक है, इंडिया की अगर और भी फेडरेशन के मैं आपको बताऊं तरीके, यहाँ पे हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है और ये जो हमारे यूनियन बना है वो हमारा स्टेट से बना है। मतलब हम लोगों ने अपने राज्यों को मिला के अपना एक देश बनाया हुआ है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। वेयर एज यूएसए में क्या है, उनके जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो है, साथ ही साथ पूरा यूनाइटेड वाले का भी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैंने सिंगल सिटीजनशिप बताई, वहाँ पे आपकी सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, अलग अलग सिटीजनशिप हो सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूएसए। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है। अलाहाबाद हाईकोर्ट हैज़ अ बेंच एट लखनऊ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट हैज़ बेंच एज ग्वालियर, ये भी बिल्कुल ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट जोधपुर, ये वाली भी बिल्कुल ठीक है। अगला है, गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ नो बेंच। नहीं, ये वाली चीज़ इन्होंने गलत दी हुई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो बेंच बनेगी वो आपकी आसाम में बनेगी। ठीक है, तो नोट करेक्ट में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूँ तो ये आपके आर्टिकल 214 से 231 में आएंगे। पार्ट सिक्स में आएंगे। ठीक है, क्योंकि माफ करिएगा, पार्ट सिक्स में आता है क्योंकि देखिए, आप जब भी एक इंडिया के यूनियन लेवल की बात करते हैं, सबसे ऊपर आपका यूनियन आता है, फिर आपके स्टेट आएंगे, नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे आप जो अथॉरिटी बोल सकते हैं वो आ सकते हैं। यूनियन लेवल पे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। स्टेट पे क्या होगा? आपका हाई कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होते हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लस म्युनिसिपैलिटी। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक से किसी एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट हो, वेयर एज दो स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, वो साथ ही साथ हमें कंसल्ट करना पड़ता है कि जो स्टेट्स की मंजूरी होती है उसके साथ ही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट से रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी। हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट करी जाती है वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी आपके प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाएगी, वेराज हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी आपके प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाएगी। अगर मैं बात करती हूँ कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो आपका गवर्नर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, आपको बतानी है कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में जो डिस्क्वालिफिकेशन, किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का जो राइट है वो कौन सी कंडीशन इसमें नहीं है।
पहला ऑप्शन दिया हुआ है वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ठीक है ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है कि मतलब इन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी कंडीशन जो है वो मेंशन नहीं है, अगर हम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेंगे तो हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप तो रहेगी ही नहीं, ठीक है वो चली जाएगी, ये ठीक हो जाता है। होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अरे ये तो ऐसा कोई भी प्रोविजन हमें नहीं दिया हुआ है कि अगर आप किसी और कमेटी के मेंबर हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। द मेंबर एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग ऑफ द हाउस विदाउट प्रायर परमिशन, ये भी हो सकती है कि हम उसको किस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जब वो वोटिंग करता है बिना किसी परमिशन के, ठीक है। नेक्स्ट है द मेंबर होल्ड द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये वाली भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कौन सा आर्टिकल रिलेटेड होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से, आर्टिकल 102 होगा, साथ ये भी बोला जाता है कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता लाइक गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर में उसका 25% तक का हिस्सा हो, पागल घोषित हो रखा हो, बैंक्रप्सी घोषित हो रखा हो, तभी हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, ठीक है याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी एज एमिंग एट फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, किन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बताया था कि हमारी सोशल सोसाइटी के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। तो इसका आंसर आपका होगा क्रैनविले ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट द प्रोविजन द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट is in incorporated in which part of the constitution of India? आपको बताना है कि directive principle of a state policy constitution के कौन से part में mention करी गई है, और साथ ही साथ separation of judiciary आपका article होता है article 50, आपको ये बताना है कि कौन से part में आता है। देखो first part में क्या आएगा, union territory, second part में आपका क्या आएगा, citizenship, थर्ड पार्ट में क्या आएगा, फंडामेंटल राइट, फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, डीपीएसपी आएगा ना, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होता है, फर्स्ट ये 1-4 सिटीजनशिप, 5-11 ये, 12-35 और ये 36 से लेके 51। तो कौन सा बना हमारा पार्ट फोर्थ आंसर बना। और अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूँ, आर्टिकल 50 which says about separation of judiciary, ठीक है। Next देखो, which of the following statements are correct? Speaker may permit any member to address the house in his or mother tongue if he or she adequately expressed in their Hindi language. Second है, business of the parliamentary committee is translated either in the Hindi or English form. तीसरा दिया हुआ है, द मिनट्स ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी आर प्रिपेयर्ड इनवेरिएबली इन द हिंदी और इंग्लिश। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक दी हुई है। देखो फर्स्ट में क्या है, स्पीकर में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज और मदर टंग, बिल्कुल ठीक है। देखो पार्लियामेंट की आपकी बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, आपके बिल प्रेजेंट करे जाते हैं, तो ये परमिशन दी हुई है कि आपको जिस भी लैंग्वेज में सुटेबल लगता है उस चीज़ में करिए। आपने कभी देखा होगा कि उनके पास ना हेडफोन्स होते हैं पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन हेडफोन्स में उनकी ट्रांसलेशन होती रहती है जिस भी लैंग्वेज में वो सुटेबल होते हैं, ठीक है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपको ठीक दी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थ्री। अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो स्पीकर का कौन सा आर्टिकल होता है, 94। स्पीकर जो होता है वो आपका लोकसभा का चेयरपर्सन होगा। लोकसभा की बात करूँ तो वो आपके लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होगी। और अगर पार्लियामेंट की बात करूँ तो पार्लियामेंट किससे बनता है, आपका आर्टिकल 89 क्या बोलता है, पार्लियामेंट विल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा।
ठीक है, इन्होंने कमेटी से रिलेटेड बहुत सारी स्टेटमेंट दी हुई थी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि स्टेट जो एक वर्ड दिया जाता है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रॉपर डेफिनेशन कौन सी प्रेजेंट करता है। देखो पहला है, इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये भी नहीं है। इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट। नहीं, ये भी नहीं है। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट एंड ऑल द लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी हुई। आर्टिकल 12 में देखो क्या बोलता है कि स्टेट लेवल पे क्या होगा, सॉरी, स्टेट का जो मतलब होगा वो एक तरीके से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यूनियन लेवल पे क्या होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, पार्लियामेंट आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के बाद आपका ये जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर होगा। और अगर मैं और थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो आपकी म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज, ऑल द लोकल अथॉरिटीज लाइक LIC, HAL, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। आपको बतानी है कि राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सबसे लंबा, कौन सा लार्जेस्ट स्टेट होगा। देखो अगर मैं सबसे लंबे की बात करूँ तब तो यूपी होता है, उसकी 31 सीटें आती हैं। बट आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, ठीक है। बिहार की 16 आएंगी, यूपी की कितनी बताई मैंने, 31, बिहार की 16, आंध्र प्रदेश की आपकी 11 सीटें होती हैं, ठीक है, और राजस्थान की 10 आएंगी और कर्नाटका में आएंगी 12। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द वुमेन इन द वुमेन्स। पंचायती राज में वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन के लिए कौन सा आर्टिकल जो है वो दिया गया है, आर्टिकल 243D, ये ऑप्शन ठीक है। अगर मैं पंचायती राज की बात करूँ तो कौन से अमेंडमेंट से आया था, 73rd Amendment 1992। फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, ठीक है। विलेज पंचायत का आर्टिकल 40 भी होता है, जो कि आपका DPSP में आता है। विलेज पंचायत क्या होता है कि गांव के स्तर पे न्याय को प्रबंधित करने वाली जो व्यवस्था होती है उसमें पंचायती राज बोलती हूँ। शहरों की क्या आ जाएगी, म्यूनिसिपैलिटी आ जाएगी, ठीक है। आर्टिकल पता चल गया 243(3)(d), और अमेंडमेंट कौन सा था, 73rd Amendment 1992। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर इनकम इज द सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, ठीक है। आपको बतानी है कि कौन सी जो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर इनकम इज सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। प्राइस कंट्रोल इज अ सब्जेक्ट अंडर कंकरेंट लिस्ट, ये वाली भी ठीक है। इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर यूनियन, अरे इंश्योरेंस आता है आपका यूनियन लिस्ट में, ये जो इन्होंने नोट वर्ड डाला ना इसकी वजह से आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। देखो हम 7th शेड्यूल पढ़ते हैं, फेडरल सिस्टम आता है जिसमें आपके 3 तरीके की लिस्ट दी जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो ऐसे प्रोविजंस जिन पे आपके न्याय बनाने का जो काम होता है वो यूनियन का होता है। स्टेट लिस्ट क्या होगी, ऐसे प्रोविजंस जिन पे आपका जो न्याय बनाने का काम होगा वो स्टेट का होगा। कंकरेंट लिस्ट क्या होगी, ऐसे प्रोविजंस जिन पे काम करने का जो मतलब प्रोविजन होते हैं, ऐसे कोई नियम कायदे कानून जिस पे आपके यूनियन भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द स्टेट। दीज रिस्ट्रिक्शंस में रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, ठीक है, इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन का, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, एजुकेशन का एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का। अगर मैं बात करती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, आर्टिकल
19 में आता है ना, ठीक है, उसके अंदर ये बोला हुआ है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताने हैं कि क्या वो इन तीनों में से हैं या नहीं है। पहला है डिफेमेशन, मतलब निंदा करना। मान लो कहीं पे कोई भी स्पीच चल रही हो, अब कोई भी पर्सन खड़ा हो और वो कुछ भी खराब बोलने लग जाए, ठीक है, निंदा करने लग जाए। भाई माना कि आपको राइट दिया गया है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन आप खड़े होकर किसी के सामने अव्यक्तिगत तरीके से उसकी निंदा नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो फर्स्ट तो ठीक हो गया। मोरालिटी मतलब आप जो आपके नियम कायदे कानून है, स्वाभिमानता है, उसको लेके आप कुछ भी उससे रिलेटेड अपराध नहीं कर सकते, ये भी ठीक है। तीसरा है ऑफेंस, आप कोई भी अपराध नहीं कर सकते ना इससे रिलेटेड। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक दी हुई है। आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड कराता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट थिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। आपको बताना है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे भी किसी फॉर्म ने कोई भी काम कर दिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको दोबारा से एक बार रिव्यू कर सकता है, ये बता सकता है कि इसमें जो प्रोविजन से एक्ट बनाए गए हैं वो गलत हुए हैं। तो ये वाला जो एक्ट है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आता है, देखिए 42nd। अगर मैं 42nd अमेंडमेंट की और भी बात करूं, इसी के अंडर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करी गई थी ना, ठीक है, और इसी के अलावा आपका सॉवरिन, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड भी ऐड हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉट करेक्ट बताना है, ध्यान रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 है, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ, लेकिन 85th, अरे 85th अमेंडमेंट थोड़ी था, 86 था ना, 86 अमेंडमेंट के अंदर दिया गया था। तो हमारी तो पहली ही स्टेटमेंट ही गलत निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। देखो, एजुकेशन से रिलेटेड आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, आर्टिकल 45 भी है जो कि आपका डीपीएसपी में ऐड होता है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि 6 साल से पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए हर एक बच्चे को, और 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। ये आपका कब ऐड हुआ था, 86 अमेंडमेंट 2002 के अंडर हुआ था। Which one of the following statement regarding Constitutional Amendment Act are correct? The procedure for amendment to the Constitution is provided under Article 368. बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। आपका Article 368 में ही आपका Constitution Amendment की बात करी जाती है, और कौन से पार्ट में, पार्ट 20 में, ठीक है। A bill to amend the Constitution can be introduced in either House of the Parliament. ये वाली statement भी बिल्कुल ठीक है। The special procedure in the Article 368 vested constituent power upon the ordinary legislation. ये वाली statement भी ठीक है। तो option number B आपका ठीक हो जाएगा। Which one of the following is not circumstance of the proclamation of the emergency by the president under the Article 352 of the Constitution? देखो, emergency के provision आपके तीन होते हैं, जब आपकी war का aggression हो, financial emergency हो सकती है, या फिर state emergency हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है, आर्म्ड रिबेलियन का यह इमरजेंसी होती है, वॉर का भी हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन का भी हो सकता है। इन्होंने ये पूछा हुआ है इमरजेंसी प्रेसिडेंट, हाँ आर्टिकल 352 के अंदर ये तीनों चीज आती हैं। ये जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये आपका 352 में नहीं आएगा, अंडर 356 में आएगा। Which one of the following statement regarding the electoral rolls are correct? आपको बताना है कि electoral rolls से कौन सी statement ठीक है? There is the one general election roll for every territorial constituency, ठीक है? No person is ineligible for inclusion of the electoral roll down on the religion, race, caste. ये वाली भी ठीक है। A citizen of the India not less than 18 years. देखो, पूछा हुआ कि आपको
वोट करने का जो अधिकार है वो से आप कब तक आपसे वंचित हम नहीं कर सकते। तीनों की तीनों स्टेटमेंट तो ठीक है, आप किसी के रिलीजन सेक्स कास्ट के बेसिस पे उसे उस वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकते, ठीक है। कौन से 18 साल से ऊपर का अगर कोई बनता है तो उसको राइट ऑफ वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। और कौन सी बॉडी होगी जो रिलेटेड होती है, वो होती है आपकी इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री, ठीक है। ये आपके टोटल 16 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।